हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जब आपका डोर बाहर से भी लॉक हो जाए और अंदर से भी लॉक हो जाए, ओपन ही नहीं हो। जब ये देखो, मैं लॉक को प्रेस कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी मेरा डोर ओपन नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है दोस्तों? ये होने का रीज़न है कि बारिश की वजह से लॉक्स ना जाम पड़ जाते हैं या कभी टूट जाते हैं अंदर से। तो ये एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है, ये देखिए ठीक से, ओके ये। और फिर उसके बाद आता है हमारा विंडो का ये हैंडल, इसे एक लॉक होता है, बस उसे काटना है। ये हमने ओपन कर लिया है सबको दोस्तों। अब जो है ये हमारा पैनल, इसे हमें बाहर की तरफ खींचना है। तो हम इसे ऐसे, मतलब मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे इस तरह कुछ खींचना है। ये हमारा बाहर निकल गया। इसे बाहर निकलने के बाद इस लॉक को पहले आपको निकालना है अंदर डाल कर। इसको बाहर निकालने के बाद पूरा पैनल बाहर निकल आ जाएगा। ये देखो हमारे पैनल आ गया हाथ में। फिर दोस्तों अब हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है हमारे साथ, मतलब अंदर लॉक टूटा है या मतलब ओपन क्यों नहीं हो रहा ये। तो डायग्नोस करने से मुझे पता चला कि मतलब ये लॉक टूटा नहीं है, बस जाम पड़ा है। ये देखिए इस ब्लैक वाले, इसे ऐसे प्रेस करना है अंदर, अंदर की तरफ प्रेस कीजिए, हमारा डोर हुआ है ओपन। तो दोस्तों हमारे वाले में बस इतना ही प्रॉब्लम था कि वो जाम पड़ा था, अटक गया था, इतना ही। अगर आपकी गाड़ी में ऐसे कुछ होता है तो ये जो रॉड है, ये बारीक सरी, इसे चेक कीजिए कि अंदर से इसका लॉक टूटा हुआ है या नहीं। मतलब क्या होता है कि मतलब बार बार यूज़ करने से ना प्लास्टिक गर्म होकर टूट जाता है, तो धूप से वगैरह तो वो टूट सकता है, जिसके वजह से आपका डोर ओपन ना हो रहा हो। एक तो वहाँ से, नहीं तो ये देखो ये जॉइंट, यहाँ पर भी टूटा हुआ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका डोर ओपन नहीं हो रहा होगा। मेरे वाले में सिंपल था कि वो जाम पड़ा था, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मतलब आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, हम आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लाते रहेंगे।